इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है और उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली है। लेकिन इस बीच यमन के यूथी विद्रोहियों ने ऐसा प्लान बनाया है जिसके बाद इजरायली सेना के हेडक्वार्टर में अलार्म बजने लगा है। देखिए इसी पर स्पेशल रिपोर्ट। जब नेतन्याहू बाइडेन की मुलाकात और अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन को लेकर पूरी दुनिया इजराइल की चर्चा कर रही है, तब इजराइल के दुश्मन एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। यह हमला भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। 19 जुलाई शुक्रवार का दिन खुलने वाला था कि रात 3 बजे ये ड्रोन समंदर की तरफ से तेल अवीव में दाखिल होता है और कुछ ही सेकंड बाद एक बार फिर देखिए वो ड्रोन अटैक जिससे इजराइल बच नहीं सका। अब ऐसे ही कई हमले इजराइल के तेल के कुओं और गैस फील्ड पर करने की तैयारी हो रही है। भूमध्य सागर में इजराइल के कई तेल और गैस के भंडार हैं और यहाँ उसके ऑयल रिग्स पर ड्रोन अटैक किया जा सकता है। यही यमन की ड्रोन फोर्स का नया टारगेट बन सकते हैं। इन पर हमलों को रोक पाना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है कि इजराइल की एनर्जी इंडस्ट्री की तबाही। भूमध्य सागर में इजराइल की तमाम लिवियाथन और करीश गैस फील्ड है। यहाँ इजराइल हर साल 21 अरब क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन करता है। इस गैस फील्ड से मिस्र और जॉर्डन को भी गैस की सप्लाई की जाती है। ऐसे में नेतन्याहू की बेचैनी बहुत ज्यादा है। तेल अबीब पर हुए ड्रोन अटैक के बाद इजराइल को अपने शहरों से ज्यादा अपने तेल के कुओं की चिंता सता रही है, क्योंकि यहाँ पर हमला रोकना आसान नहीं होगा। जब तेल अबीब में आधी रात 3 बजे हमला हुआ तो धमाका बहुत बड़ा था। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सड़कों पर लोग बदहवास हालत में नजर आए। इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 10 लोग जख्मी हुए हैं। तेल अबीब में अफरा तफरी मच गई। ड्रोन से हुए इस धमाके ने इसराइल को बुरी तरह से हिला कर रख दिया। लोग सड़कों पर निकल आए, सायरन बजने लगे। आखिर इसराइल की राजधानी में दुश्मन का ड्रोन कैसे घुस गया, कैसे इसराइल का सबसे मजबूत किला आग के शोलों से चकनाचूर हो गया। तेल अबीब में जहाँ अटैक हुआ वो तेल अबीब का याफा इलाका है, और जिस ड्रोन से यमन ने हमला किया उस ड्रोन का नाम भी याफा है। לאחר תחקיר ראשוני שביצענו ומהממצאים בזירה ובמערכות הצבאיות עולה כי מדובר בכלי טייס בלתי מאויש מדגם צימד 3. להערכתנו הוא הגיע מתימן עד לתל אביב. צימד 3 הוא אמצעי לחימה איראני. याफा ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि ये ईरान से मिले ड्रोन की नकल है। इसका असली नाम समद 3 है। इस ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर है। अब इस ड्रोन का रूट देखिए जिसने इजराइल को चौंका दिया। ये ड्रोन लाल सागर के ऊपर से होते हुए सुएज नहर के ऊपर से गुजरा। नीचे अमेरिका के बड़े बड़े वॉरशिप देखते रह गए। कोई उस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाया। इसके बाद ये ड्रोन भूमध्य सागर की तरफ से इजराइल में घुसा। इजराइल के बड़े बड़े रेडार इस ड्रोन को ट्रैक नहीं कर पाए और फिर तेल अवीव में इस ड्रोन ने अपने टारगेट पर बड़ा धमाका किया। 2000 किलोमीटर की रेंज वाले ड्रोन का मतलब है कि यमन के हूथी विद्रोही इजराइल को आसानी से निशाना बना सकते हैं, चाहे वो इसके शहरी इलाके हों, चाहे वो उसके ऑयल रिग्स हों या फिर इसराइल के बंदरगाह। हूथी विद्रोहियों के टारगेट पर इसराइल के जो बड़े बंदरगाह हैं, उसमें हाइफा और एलात पोर्ट सबसे आगे हैं। हाइफा का बंदरगाह भूमध्य की तरफ है, जबकि एलात बंदरगाह दक्षिण में अकबा की खाड़ी यानी लाल सागर की तरफ खुलता है। यमन के इन दोनों पोर्ट्स पर हमले की न सिर्फ धमकी आती है बल्कि हूथी विद्रोही इन दोनों पर मिसाइल से हमला भी कर चुके हैं। हालांकि इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। जिस इजराइल की ड्रोन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया में नाम कमाया, अब उसी इजराइल पर उसके दुश्मन के ड्रोन कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल को पता चल गया है कि इस हमले के पीछे यमन है और वहीं से ड्रोन उड़कर इजराइल तक पहुंचा है।
نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية تمثلت في استهداف أحد الأهداف المهمة في منطقة يافا المحتلة ما يسمى إسرائيليا تل أبيب. وقد نفذت العملية بطائرة مسيرة جديدة. इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने यमन से बदला ले लिया है और बदला भी बहुत बड़ी तबाही मचा कर लिया है। यमन ने तेल अबीब पर ड्रोन हमला किया तो इसराइल ने हुदैदाह बंदरगाह पर तेल डिपो को टारगेट बनाया। यही वजह है कि यमन के हुथी विद्रोही अब जवाबी कार्रवाई में इसराइल के तेल और गैस वाले ठिकानों को टारगेट बनाना चाहते हैं। भूमध्य सागर में इसराइल की ऑयल रिग्स को ड्रोन से टारगेट बनाकर यमन के हुथी विद्रोही ये भी साबित करना चाहते हैं कि वो इसराइल की दुखती नब्ज को दबाना जानते हैं। ऑयल रिग्स पर हमले का मतलब है गैस और तेल की सप्लाई ठप, और ये हमले इसराइल की अर्थव्यवस्था को भी बड़ी चोट पहुंचाएंगे। एक ड्रोन कैसे युद्ध के दायरे को 10 गुना बढ़ा सकता है ये यमन के याफा ड्रोन ने साबित कर दिया है। खतरे की घंटी संयुक्त राष्ट्र में भी लगातार बज रही है। I can tell you that the Secretary General condemns today's deadly drone attack in Tel Aviv, for which the Houthis in Yemen claimed responsibility. This attack resulted in a death and several injuries. He sends his heartfelt condolences to the victims and their families. युद्ध का नया खतरा किस लेवल पर पहुंच चुका है ये आप यूएन से आए अलर्ट को देखकर समझ सकते हैं। याफा जैसे ड्रोन से ये मुमकिन है क्योंकि इससे पहले इसराइल का एयर डिफेंस नेटवर्क इसे रोकने में नाकाम साबित हुआ है। ऐसे कई हथियार यमन के हुथी विद्रोही अपनी परेड में दिखाते रहे हैं। इन सभी पर ईरान की छाप लगी हुई है। इस बात से तो ईरान भी इनकार नहीं करता, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो या फिर ड्रोन। हुथी विद्रोहियों के पास बहुत से ऐसे हथियार हैं जो उसे ईरान के जरिए ही मिले हैं। यमन के हुथी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन इसराइल का दूसरा बड़ा खौफ है। इसराइल का डर इस हमले से और ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि हुथी विद्रोहियों की याफा ड्रोन ने इसराइल के एयर डिफेंस नेटवर्क को खिलौना साबित कर दिया है। यही वजह है कि तेल अबीब पर अटैक के बाद अमेरिका पहुंचे बेन्यामिन नेतन्याहू सीज फायर की बात कर रहे हैं। हमास पर बमबारी नहीं बल्कि उस पर दबाव डालने की बात कर रहे हैं। इस वक्त हमास के कब्जे में 120 इजरायली बंधक हैं और इस बात ने नेतन्याहू को काफी बेचैन किया हुआ है। בינתיים פשוט שאנחנו מפעילים לחץ מאוד מאוד חזק, מאוד חזק על חמאס, ואנחנו רואים שינוי מסוים, ואני חושב שהשינוי הזה ילך ויגדל, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה. זוהי מטרת מלחמה. תל אביב से रवाना होने से पहले नेतन्याहू उन लोगों से मिले थे जो हमास की कैद से छूट चुके हैं या छुड़ाए गए हैं। इनमें इजरायली बंधकों के परिवार भी थे। नेतन्याहू ने बताने की कोशिश की कि वो बाइडेन से इस बारे में जरूर बात करेंगे ताकि हमास पर दबाव बने और 120 इजरायली बंधकों की रिहाई मुमकिन हो पाए। गाजा में बमबारी को लेकर अगर इजरायल को किसी तरफ से कोई खास चुनौती मिली है तो वो लेबनान का मिलिशिया हिजबुल्लाह है और यमन का हुथी विद्रोही गुट है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इन दोनों संगठनों को ईरान का पूरा समर्थन, उन्हें ईरान से फंडिंग भी मिलती है, ट्रेनिंग भी मिलती है, और ये बहुत हद तक तेहरान के इशारे पर ही अपना ट्रिगर दबाते हैं। इसराइल पर हमास के हमले के 9 महीने पूरे हो चुके हैं। गाजा पर इसराइल के ऑपरेशन के भी 9 महीने पूरे हो गए हैं। 9 महीनों की तबाही का दौर ऐसा चला कि युद्ध का एपिसेंटर अब गाजा से निकलकर इसराइल और लेबनान बॉर्डर के साथ साथ यमन और लाल सागर में पहुंच चुका है। यमन के तेल गोदाम में लगी आग अब भी जल रही है। इसी जगह पर इसराइल के फाइटर जेट्स ने बम गिराए थे और फिर लगा कि जैसे पूरा हुदैदाह बंदरगाह जलने लगा। यमन को भी पता चल गया है कि हुथी विद्रोहियों के हमले के बाद जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया है उससे युद्ध गाजा से निकलकर अब उसकी जमीन पर पहुंच गया है।
أقدم الكيان الصهيوني باستهداف موانئ الحديدة والمنشآت النفطية وعدد من الأعيان المدنية في جريمة كبيرة جدا، جريمة تؤكد أن هذا العدو لن يرتدع أبدا إلا بالقوة، لأنه لا يفهم إلا منطق القوة. ها هو يستهدف المنشآت لمحاولة حصار الشعب اليمني وضرب الجانب الاقتصادي عندما فشل. بالنسبة للاستهداف لهذه المؤسسات الحيوية التي تخدمها الشعب اليمني فهو استهداف لكامل الشعب اليمني. यमन का गुस्सा सातवें आसमान पर है और यमन की पब्लिक इस गुस्से का इजहार भी कर रही है। गाजा को लेकर फैले आक्रोश में अब यमन पर हुआ हमला भी जुड़ चुका है। ان هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وان شاء الله باذن الله تعالى ستقوم قواتنا المسلحه بكل تشكيلاتها البحريه والجويه والطيران المسير بالرد القاسي। इससे पहले हुथी विद्रोहियों ने इसराइल पर ड्रोन और क्रूज मिसाइल से कई हमले किए हैं, लेकिन 19 जुलाई को हुए हमले ने लाल सागर में मौजूद अमेरिकी जंगी जहाजों से लेकर इसराइल के एयर और मिसाइल डिफेंस नेटवर्क को नाकाम साबित कर दिया है। और अब खतरा इसराइल के तेल के कुओं पर मंडराने लगा है, क्योंकि इसराइल भी जानता है कि यमन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और इधर नेतन्याहू और बाइडेन के बीच जो भी बात होगी उसमें अरब देशों को लेकर एक बहुत ही खतरनाक फैसला भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह कि इसराइल के नंबर वन दुश्मन ईरान को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथी जेरी वेंस ने ऐसा सुझाव दिया जिसे लेकर पश्चिम एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ने का खतरा है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ गाजा में इजराइल का नया हमला हुआ है और दूसरी तरफ नेतन्याहू और गोला बारूद की डिमांड के साथ अमेरिका में मौजूद हैं। गाजा में इसराइल की बमबारी से एक ही दिन में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है, 300 से ज्यादा घायल हैं। ये गाजा में सबसे खूनी दिनों में से एक साबित हुआ है। गाजा के खान यूनिस इलाके में न सिर्फ इजरायली वायुसेना ने बमबारी की, यहां पर इजरायली टैंक मार्कवा ने भी अंधाधुंध गोले बरसाए और नतीजे आपके सामने। अपने परिवार के कई लोगों को खोने वाले अहमद समूर लाशों को उठा उठाकर थक चुके हैं। इसराइल ने जब हमला किया तो एक 4 मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। अहमद समूर का घर इसी इमारत में था। احنا تعبنا في غزه، احنا كل يوم هيدا مش اولاد، بس احنا نشفش طول لسه ولسه خير متخيل تحت الضوء، لسه خير في تحت الضوء ضايلين، يعني كلهم تحت الضوء، يعني ما حدش قال نخلق، بقى 4 طوابق بنزلها بصفتها على الشعب زي ما هي على المواطنين. गाजा के नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एक साथ करीब 200 घायल लोगों को पहुंचाया गया। बहुत से लोग मर चुके थे, लेकिन उनके रिश्तेदारों को उम्मीद थी कि सांस बाकी है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक तरफ गाजा में तबाही जारी है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में नेतन्याहू को घेरने की कोशिश भी जारी है। व्हाइट हाउस के करीब ये लोग नेतन्याहू का विरोध करने पहुंचे हैं। ये गाजा में हजारों लोगों की मौत पर बाइडेन प्रशासन को जगाना चाहते हैं। ये इजराइल को जारी बम और गोला बारूद की सप्लाई रोकना चाहते हैं। ये सब एक प्रदर्शन का हिस्सा है। ये व्यक्ति आंखों पर पट्टी बांधे और हथकड़ी लगाए हुए खड़ा है, ठीक वैसे ही जैसे इसराइल गाजा और वेस्ट बैंक में हजारों लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। गाजा में तबाही रोकने का नाम नहीं ले रही। गाजा में 9 महीनों से जारी बमबारी में 39,000 लोगों की मौत हो चुकी है, 90,000 लोग घायल हुए, सैकड़ों हजारों लाशें मलबे में दबी हुई है। नया तनाव वेस्ट बैंक में भी फैल गया है, जहां इजरायली सेना की गोलीबारी में फिलिस्तीन के 5 लोगों की मौत हुई है।
इसराइल का दावा है कि इनमें हमास और फतह गुट के लोग थे। इसराइल का ये हमला वेस्ट बैंक में तुलकर्म इलाके में हुआ। गाजा और वेस्ट बैंक दोनों जगह इस तबाही के बीच अमेरिका से एक बहुत ही खतरनाक आइडिया सुझाया गया है, जो पूरे पश्चिम एशिया को ऐसे युद्ध में झोंक सकती है जिसके बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। अमेरिका में ओहायो की सीनेटर और डोनाल्ड ट्रंप के रनिंग मेट जेडी विंस, जो रिपब्लिकन पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट के रूप में उभरे हैं, उन्होंने अमेरिका के न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बहुत ही खतरनाक रास्ता दिखाया है। जेडी विंस ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बाकी अरब देश एकजुट हो जाएं। जेडी विंस ने अरब वर्ल्ड के सुन्नी बहुल देशों को ईरान के खिलाफ एक फ्रंट बनाने का सुझाव दिया है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है। यानी साफ है कि अमेरिका का एक पावरफुल लीडर इस वक्त अरब वर्ल्ड को धर्म और संप्रदाय के बीच बांटना चाहता है। जेडी विंस ने कहा कि इसराइल को बचाने के लिए जो बाइडेन ने जो कुछ नहीं किया है और ना ही ईरान को कमजोर करने के लिए उनकी सरकार कुछ ठोस कर पाई है। अमेरिका की तरफ से पश्चिम एशिया में नई गुटबाजी तैयार करने के बीच चीन ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन ने कहा है कि टू स्टेट वाला उपाय जरूरी है, यानी इसराइल भी देश रहे और फिलिस्तीन भी देश बने। ये ऐसा सुझाव है जिसका समर्थन भारत भी करता है। यही पूरे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति कायम करने के लिए सबसे बेहतर तरीका माना जाता है, जिस पर इसराइल राजी नहीं है। जब गाजा में बमबारी चल रही है और नेतन्याहू अमेरिका से बम और हथियार की डिमांड करने पहुंचे हैं, तब बीजिंग में हुई एक मीटिंग ने इसराइल के माथे पर लकीरें खींच दी है। वजह है चीन के विदेश मंत्री से फिलिस्तीन के अलग अलग गुटों की मुलाकात। इस मीटिंग में हमास और फतह दोनों गुट के नेता शामिल हुए। खबर यह है कि फिलिस्तीन के 14 गुट इस बात पर राजी हुए हैं कि पीएलओ यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पूरे फिलिस्तीन के लोगों का सही प्रतिनिधित्व करता है। जहां अमेरिका फेल हुआ है वहां चीन ने बाजी मारी है। सऊदी अरब और ईरान के बीच दोस्ती कराने के बाद चीन इसराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी हल निकालने में जुट गया है। चीन अब डील मेकर बनना चाहता है, लेकिन इन तस्वीरों के बीच अगला एक हफ्ता गाजा में चल रहे युद्ध के लिए बहुत अहम होने वाला है। जुलाई के अंत तक अगर ये युद्ध रुकता हुआ नजर नहीं आया तो समझ लीजिए कि फिर ये युद्ध पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा।